ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, दवा और डॉक्टर, ना जाने क्या क्या कम है इस कोरोना काल में। इस त्रासदी से बचने का अगर कोई तरीका बचा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन। लेकिन भारत में वैक्सीन की भी भारी कमी है, इतनी कमी कि अगर साल भर बीत जाए तब भी सबको शायद वैक्सीन ना लग पाए। अब इसमें बड़ी बात ये जानने की है कि हम लगातार कह सुन रहे हैं कि भारत तो वैक्सीन हब है, दुनिया भर में यहीं से वैक्सीन जाती है, तो फिर भारत में टीके का टोटा क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि भारत की सरकार का ढुलमुल रवैया या फिर वैक्सीन के प्रति ढीलापन। जब पूरी दुनिया वैक्सीन का ऑर्डर लगा रही थी तब हमारी सरकार के पास कोई विजन तक नहीं था। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, आखिर क्या है भारत में वैक्सीन का गणित, इसे समझते हैं। देश में अब 18 साल उम्र से ज़्यादा के लोगों को भी टीकाकरण अभियान में शामिल कर लिया गया है। तो मोटा माटी देखें अगर तो कुल आबादी में से 100 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको वैक्सीनेट करना होगा, जिनका टीकाकरण करना होगा। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए हमें चाहिए 200 करोड़ वैक्सीन डोज, क्योंकि एक व्यक्ति को दो डोज लगाई जाती हैं। अब तक अगर सरकार ने जो ऑर्डर दिया है उसको जाने तो सब कुछ मिलाकर देखें तो 45 करोड़ वैक्सीन ऑर्डर सरकार ने दिया है, यानी सिर्फ 22.5% लोगों को ही वैक्सीन डोज लग पाएगी। ये जुलाई तक के लिए सरकार का विजन है। देश में अधिकतर वैक्सीन कोविशील्ड यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट की है। सीरम के CEO अदार पूनावाला ने साफ कर दिया है कि अब तक उनके पास 26 करोड़ वैक्सीन डोज का ही केंद्र सरकार का ऑर्डर मौजूद है। इसके अलावा भारत बायोटेक के पास 7 करोड़ का वैक्सीन ऑर्डर है। इन दोनों को मिला लें तो करीब 34 करोड़ के पास आंकड़ा पहुंचता है। सीरम को अलग से 10 करोड़ डोज का ऑर्डर राज्य सरकारों और अस्पतालों से भी मिला हुआ है, यानी कि 34 + 10 तो करीब 44 करोड़, और मोटा माटी देखें तो 45 करोड़ के पास ये आंकड़ा जाता है। अब यहाँ एक जरूरी बात ये जान लेते हैं कि 45 करोड़ जो वैक्सीन है उसमें से 26 करोड़ वैक्सीन डोज मिलना अभी बाकी है, यानी कि अभी तक केवल हमें जो वैक्सीन मिली है उसमें से बहुत बड़ी जो डोज है करीब 50% से ज़्यादा वो मिलना अभी बाकी है, जो मई जून जुलाई में ये खेप पूरी होगी। तो कहाँ हम एक सपना देख रहे थे कि पूरी दुनिया में हम वैक्सीन सप्लाई करेंगे, और अब स्थिति ये आ गई है कि हमारी जो अपनी जनता है उसके पास वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। दुनिया भर के बड़े वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि 60 से 70% आबादी को जब वैक्सीनेशन किया जा चुका होगा तभी कोरोना की रफ्तार को धीमा या रोका जा सकता है। ऐसे में हम जुलाई तक सिर्फ अपनी जनता के 16% लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। जिस हिसाब से हमारी गति है, जिस हिसाब से हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, उस हिसाब से केवल 16% लोगों को जुलाई तक वैक्सीन मिल पाएगी। वहीं अगर दुनिया भर के अन्य देशों को देखें तो अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में ये जो संख्या है ये काफ़ी ज़्यादा है। वो करीब करीब ये टारगेट बनाकर चल रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक 60-70% आबादी को वैक्सीनेट किया जा सके, और इसके लिए अभी भी उनकी गति काफ़ी तेज है। दुनिया भर के अन्य देश ऐसा करने में इसलिए सक्षम हो पा रहे हैं क्योंकि उनका जो मास्टर प्लान था वो काफ़ी पहले बन चुका था, और उन्होंने जो ऑर्डर्स लगाने शुरू किए वैक्सीन के वो बीते बरस ही लगा दिए थे, जबकि हमारी सरकार उस समय किसी भी विजन के साथ नहीं थी। वो एक इंतज़ार में बैठी थी कि हमारा देश वैक्सीन हब है और किसी भी तरह से हम इस आपूर्ति को पूरा कर लेंगे, जो अब बिल्कुल भी संभव नहीं हो पा रहा है। वैक्सीन को लेकर सरकार से लगातार सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो थोड़ी सी नहीं, बहुत अजीब दिख रही हैं। उनकी नीतियों में काफ़ी खामियां नज़र आ रही हैं। जहां एक तरफ सरकार वैक्सीन डिप्लोमेसी जैसे एक दिखावे में उलझी रही, जहां पर सरकार बार बार ये प्रिटेंड करवाती रही कि हम दुनिया भर को वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास वैक्सीन की अच्छी खासी जो खेप है वो मौजूद रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अब सरकार ने जिस तरह का रवैया अपनाया है वो थोड़ा अटपटा है। जुलाई तक सरकार 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के टारगेट में है। इस हिसाब से वैक्सीन डोज का जो ऑर्डर हुआ वो हुआ 60 करोड़ वैक्सीन डोज, और सरकार ने अभी ऑर्डर जो दिया हुआ है वो है 45 करोड़ का, यानी कि अभी तक अगर उस रेंज को भी पाना चाहें जहां पर 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का सरकार का टारगेट था, तो वो भी कम पड़ जाएगा। ऐसे में
18 प्लस लोगों को शामिल कर लिया, यानी अब 45 प्लस गंभीर बीमारियों वाले लोग और 60 प्लस बूढ़े बुजुर्गों को टीके का टोटा पड़ेगा, तो वहीं 18 प्लस लोगों को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन मिल जाए, यही बड़ी बात होगी। और इसका रिफ्लेक्शन हम वैक्सीन सेंटर्स में देख भी रहे हैं। वैक्सीन सेंटर से लगातार खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, लोग लाइन में लगते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वैक्सीन नहीं लग पाती है। अब वैक्सीन की इतनी कमी को देखते हुए सरकार के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो सरकार स्पुतनिक और फाइजर जैसी कंपनियों को बड़ा ऑर्डर दे, लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि स्पुतनिक और फाइजर भी अन्य कई देशों के साथ पहले ही करार कर चुकी हैं, तो वो उन देशों की आपूर्ति को पूरा करेंगी या भारत जैसे विशालकाय देश की आपूर्ति को करने में सक्षम हो पाएंगी। वहीं दूसरी बात ये है कि भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक या जो अपने इंस्टीट्यूट हैं उनकी क्षमता को बढ़ाए, क्योंकि अभी की क्षमता के हिसाब से देखा जाए तो 10 करोड़ मैक्सिमम वैक्सीन डोज का प्रोडक्शन हो सकता है, और अगर यही रवैया रहा, यही तरीका रहा, तो 60-70% आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए साल भर से कहीं ज़्यादा का वक्त भारत में लग जाएगा।